हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड सेकंड का लेसन नंबर 5 द हैप्पी ट्री के टिक द करेक्ट आंसर रीड करेंगे। नाउ फर्स्ट वन इज व्हाई इट इज नॉट इजी फॉर मुनमुन टू पुश द मड। मींस मुनमुन के लिए वो मड जो है उसको वो पुश करना क्यों इजी नहीं था। तो ऑप्शन में इट इज हार्ड, इट इज सॉफ्ट, इट इज वे, तो उसमें कौन सा बच्चों कौन सा आंसर करेक्ट आएगा? इट इज हार्ड, क्योंकि जो सॉइल है वो एकदम हार्ड होती है, वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह हटती नहीं है। पुश मीन्स उसे हटाना। नाउ क्वेश्चन टू, विच ट्री डस मुनमुन ग्रो अप टू बी। मीन्स मुनमुन जो सीड है वो बड़ा होकर कौन सा झाड़ मुनमुन सीड में से बनता है? तो ऑप्शन में है मैंगो, गुलमोहर और नीम। तो वो मुनमुन सीड है वो बड़ा होकर गुलमोहर ट्री बनता है, तो हमें गुलमोहर पर टिक मार्क करना है। नाउ थर्ड वन, द साउंड पिटर पैटर इज द साउंड ऑफ। मींस जो ये साउंड है पिटर पैटर वो किसका आवाज था? पिटर पैटर जो आवाज आ रही थी वो क्या था? तो आंसर में है वाइंड, सी और रेन। तो पिटर पैटर जो आवाज आ रही थी मुनमुन को सुनाई दे रही थी वो कौन सी आवाज थी? वो थी रेन की आवाज। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन वन क्या है, देखो, वेयर इज मुनमुन स्लीपिंग। तो मुनमुन कहाँ पर सोई हुई थी? आंसर में आएगा मुनमुन इज स्लीपिंग इनसाइड द सॉइल। मुनमुन जो है वो सॉइल के अंदर के भाग में सोई हुई थी। सॉइल मीन्स मिट्टी, जो अर्थ के ऊपर सॉइल है उसके अंदर के भाग में मुनमुन स्लीपिंग मीन्स सोई हुई थी। नाउ क्वेश्चन टू, वॉट डज मुनमुन सी एज ही पीप्स आउट ऑफ द सॉइल। जैसे ही मुनमुन सॉइल से बाहर आकर बाहर निकलती है तो वो क्या देखती है? सॉइल से बाहर आकर मुनमुन बाहर निकलती है सीड, तो वो क्या देखती है? तो आंसर में आएगा वेन मुनमुन पीप्स आउट ऑफ द सॉइल। मीन्स मुनमुन जैसे ही सॉइल से बाहर आती है ही सीज लाइट अराउंड हिम। मीन्स वो अपनी आजू बाजू में लाइट मीन्स सनलाइट को वो देखती है। नाउ क्वेश्चन थ्री, व्हाट मैसेज डस मुनमुन गिव टू अस। तो मुनमुन हमें क्या मैसेज देता है, मीन्स क्या में बताता है? तो आंसर में आएगा मुनमुन गिव्स अस द मैसेज दैट। मुनमुन हमें यह मैसेज देता है कि दैट वी शुड लुक आफ्टर ट्रीज। हमें ट्रीज को ख्याल रखना है, उसे काटना नहीं है, मीन्स उसका केयर लेना है। वी शुड नॉट कट द ट्रीज, हमें झाड़ को काटना नहीं है। बिकॉज दे आर अवर ग्रीन फ्रेंड्स, मीन्स क्यों? तो के वो जो ट्रीज है वो हमारे ग्रीन फ्रेंड्स है, इसलिए हमें कभी भी ट्रीज को काटना नहीं है, उसका ख्याल रखना है। नाउ इसके बाद आएगा वन वर्ड आंसर। तो बच्चों देखो, वन वर्ड आंसर में फर्स्ट वन क्या है, वॉटर शोक्ड सॉइल। मीन्स पानी है जो सॉइल को गीला कर देती है, जो सॉइल सॉक्ड सॉइल है, गीली मिट्टी है, उसे क्या बोलते हैं? मड। फिर सेकेंड वन, रेन जेंटली, मीन्स धीरे धीरे बारिश आना, तो उसे पीटर पैटर, मीन्स एक 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 ड्रॉप्स वाटर का टप टप गिरना, उसे पीटर पैटर बोलते हैं। फिर थर्ड वन, ए सीक्रेट बुक मीन्स पीप्स, मीन्स किसी को पता नहीं ऐसा आकर बाहर आकर देखना, उसे पीप्स बोलते हैं। मीन्स यहाँ बच्चों बुक की जगह करेक्शन करना है, लुक एल डबल ओ के लुक लिखना है बुक की जगह। ए सीक्रेट लुक मीन्स किसी चीज का पता नहीं हो और हम जल्दी से बाहर आकर उसे देखते हैं, उसे पीप्स बोलते हैं। नाउ फोर्थ वन, On all the sides means around means हमने अपने आजू बाजू की सभी sides, अपने आजू बाजू में जो सभी बाजू होती है sides होती है उसे around बोलते हैं, means चारों तरफ। means fifth one, move with force means push means धक्का देना, force जोर से धक्का देना, उसको push बोलते हैं। Thank you।